अमैया में दिन दहाड़े हुई हत्या। अज्ञात लोगों ने आसिफ नामक युवक की चाकू मारकर की हत्या। मृतक युवक टेलरिंग का काम किया करता था। चश्मदीदों की माने तो हत्यारे पल्सर मोटरसाइकिल से आए थे, जिसका नंबर MP17M6561 है। युवक अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी वह दो युवक आए और उन्होंने चाकू निकालकर आसिफ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तक लोग बचाते, तब तक दोनों युवक मोटरसाइकिल छोड़कर दौड़ते हुए फरार हो गए। हम आपको बता दें, जिस गली में आसिफ की हत्या हुई है, उसी गली के अंतिम छोर पर प्रख्यात शराब तस्कर इरशाद का मकान भी है। आसिफ के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस की माने तो युवकों की पहचान की जा रही है। माना जा रहा है युवक यही आसपास के रहने वाले हैं और उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी दरगाह से ठीक लगी हुई गली पर दिन दहाड़े हुई हत्या ने मोहल्ले में सनाका सा खींच दिया। पूरे मोहल्ले वाले घटना के बारे में बताते तो हैं, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहे हैं घटना किस वजह से हुई होगी। आसिफ एक सीधा साधा लड़का था। उसकी हुई हत्या की सही वजह का खुलासा तभी हो पाएगा जब हत्यारे पुलिस के शिकंजे में होंगे। ईद के चंद रोज पहले आसिफ की हत्या ने आसिफ के परिवार पर ऐसा बोझ डाल दिया जिसकी भरपाई निकट भविष्य में होना, या यूं कहें पूरी जिंदगी होना, बहुत मुश्किल है। आसिफ की उम्र महज 20-22 साल ही थी। वह सिलाई करके अपने परिजनों का हाथ बटाया करता था। कम उम्र में ही लड़का अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ईद की वजह से उसके पास काम भी काफी था। ऐसे में हुई उसकी हत्या का कई सवालों को जन्म देती है। आज दोपहर में आसिफ पिता अन्नू अंसारी, उम्र करीब 22 साल, अमैया के निवासी हैं। कुछ लोगों ने चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी है और डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल SGMS में मर्चरी रूम भेजी गई है। आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। भागते वक्त दो लोगों की जानकारी मिली है जिन्होंने हत्या की है, परिचित हैं पूर्व से और यहीं अमलिया के आसपास के ही निवासी हैं। उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। गाड़ी छोड़ हाँ घटना स्थल पे आरोपी अपनी गाड़ी छोड़ कर के भागे हैं। उस गाड़ी से जो भी सुराग मिला है उसके आधार पर आरोपी की तलाश की जाए। सर, विवाद का कुछ कारण सामने समझ में है? विवाद का कारण अभी सामने नहीं आया है। मृतक के परिजन अभी SGMS जो हॉस्पिटल है वहाँ पर है और जो साक्षी हैं उनसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद का क्या कारण। आसिफ अंसारी की घटना मौत हो गई है। दो लड़के आए थे बाइक से, चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। मैं दरगाह के अंदर था, उसको बचाने के लिए ढोका मारूँ तो बाइक ओढ़ के भाग गई। लोग कैसा हुलिया था कुछ पता चला? चेहरा में पट्टी बांधे हुए थे, चेहरा नहीं दिखा। क्या कारण रहा होगा? कोई कारण कुछ नहीं था, ऐसे ही दो लोग अनजान आए मार के चले गए। घटनास्थल मौत हो गई। जिसको चाकू लगी वो क्या कर रहा था वहाँ पर? वे जा रहा था कहीं दरगाह, रस्से से जा रहा था कहीं। तो उसको रोक के मारे हैं? उसको रोक के मारे हैं। कुछ गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागे हैं? हाँ, बाइक पड़ी हुई है उनके पल्सर।